नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। इंडिया आउट का नारा लगाकर मालदीव की सत्ता में आए मोहम्मद मोइजू भारत को आउट नहीं कर पाए हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित भारत मालदीव कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सहमति बनी है कि भारत मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को असैनिक समूह के साथ बदलेगा। यह असैनिक समूह भारतीय होगा जो भारतीय सैनिकों के काम को ही आगे बढ़ाएगा। इससे चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस भेजने में सफल रहे हैं और भारत भी अपने सैनिकों की जगह अपने ही असैनिक कर्मियों को तैनात करेगा। एक आदिवासी समूह ने ईडी द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ऑन एयर की गई टिप्पणी के लिए समाचार चैनल आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। शनिवार को सुबह सुबह सीएम केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंच गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। इसी मामले की जांच के सहयोग करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। शुक्रवार को भी क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने पर क्राइम ब्रांच के अफसर बगैर नोटिस रिसीव कराए लौट आए। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी के घर पर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार किया था। इसके बाद उन्होंने पहली बार कांग्रेस पर ऐसा तीखा हमला किया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि आपको 300 में से 40 सीट पर भी जीत मिलेगी, इतना अहंकार क्यों है? आप बंगाल आए, हम इंडिया अलायंस में हैं, मुझे तो बताओ, मुझे प्रशासन से पता चला, अगर आप में दम है तो भाजपा को वाराणसी में हराएं। आप जिन जगहों पर पहले जीते थे अब हार गए हैं। बीते दिन पूनम पांडे की अचानक आई मौत की खबर ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया था। उनके इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट में कहा गया था कि एक्ट्रेस की मौत सर्वाइकल कैंसर से हुई है। उनकी पीआर टीम ने भी पूनम की मौत को कंफर्म किया था, लेकिन इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। वहीं आज फाइनली एक्ट्रेस के मौत के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। दरअसल एक्ट्रेस ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर खुलासा किया है कि वे जिंदा हैं और उनकी सर्वाइकल कैंसर से मौत नहीं हुई है। पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। फ्रांस के इस मशहूर जगह पर यूपीआई की लॉन्चिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। यह यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और मजबूत संबंधों को एक बढ़ावा देने का एक अद्भुत उदाहरण है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर, बर्फबारी के चलते यहाँ मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले दो दिनों राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में 4 और 5 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संधायक शनिवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। पोत के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर एडमिरल हरि कुमार ने संबोधन में कहा, पिछले एक दशक में नौसेना ने अलग अलग रेंज के अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए हैं, चाहे वह शक्तिशाली विमान वाहक पोत विक्रांत हो, विशाखापत्तनम क्लास का डिस्ट्रॉयर हो, बहुमुखी श्रेणी के फ्रिगेट, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हो या गोताखोरी के लिए विशेष जहाज हो, हम उभरते हुए भारत की सेवा में एक संतुलित और आत्मनिर्भर बल का निर्माण कर रहे हैं। आम लोग किसी भी बीमारी से निपटने से परेशान रहते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में दवाओं के दाम और मेडिकल का खर्च दोगुना दाम से भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिस कारण शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट, जोरों के दर्द, विरक, तेल, इन्फेक्शन की दवाएं सस्ती होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 39 फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। इसके साथ ही 4 स्पेशल फीचर उत्पादों को भी मंजूरी मिली है।
घर में वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करना ज्यादातर भारतीयों के लिए बेहद ही जरूरी हो गया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि लोग अब पहले से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वीडियो देखना हो या फिर किसी तरह का कोई कॉन्टेंट डाउनलोड करना हो, हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही है। फोन के इंटरनेट से इतना कुछ कर पाना संभव नहीं है। हालांकि लगातार वाईफाई राउटर ऑन रखना खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रात में सोते समय भी वाईफाई राउटर ऑन रखते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए अभी 11 दिन ही हुए और यहां पहुंचने वाले भक्तों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। इसके बाद से 11 दिन में राम मंदिर में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे। रामलला के दर्शन करने आए भक्त खुलकर दान दे रहे हैं। 11 दिन में ही राम मंदिर ट्रस्ट को चढ़ावे के रूप में भक्तों से 11 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। भारत का तकनीक और स्टार्टअप राजधानी कहा जाने वाला शहर बेंगलोर दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में छठे नंबर पर है। डच लोकेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ टॉम ने साल 2023 के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि साल 2022 में बेंगलोर दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में दूसरे स्थान पर था। बीते साल बेंगलोर में औसतन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 मिनट का समय लगता था। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर में अब इसमें 28 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पतंजलि एक और कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है। पतंजलि आयुर्वेद ने कर्ज में डूबी एक कंपनी रोल्टा इंडिया को टेक ओवर करने की तैयारी कर ली है। पतंजलि ने इस कंपनी के अधिग्रहण के लिए 830 करोड़ रुपए का ऑफर प्राइस दिया है। खास बात यह है कि यह ऑफर उस वक्त दिया गया है जब बीते सप्ताह ही पुणे के कंपनी हसदान प्रॉपर्टीज को बैंकों ने सबसे बड़ी बोली लगाने वाला बताया था। पेटीएम पेमेंट्स को लेकर जारी संकट के बीच पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का बयान सामने आया है। पेटीएम फाउंडर ने शुक्रवार सुबह अपने 300 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को आश्वस्त किया कि आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी पहले की ही तरह काम करता रहेगा। विजय शेखर शर्मा की यह टिप्पणी भारतीय रिजर्व बैंक के यह कहने के बाद दो दिन बाद आई है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड या PPBL ऐप की बैंकिंग विंग 1 मार्च से क्रेडिट सेवाएं और फंड ट्रांसफर की सुविधा नहीं दे सकती है। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, क्योंकि साल 2022 में भारत में 14 लाख कैंसर के नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 9 लाख लोगों ने इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। ये आंकड़े काफी परेशान करने वाले हैं, क्योंकि WHO की माने तो आने वाले समय में ये आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं। सबसे प्रीमियम फीचर्स और डिजाइन ऑफर करने वाले एप्पल आईफोन मॉडल्स का क्रेज हमेशा से ही भारतीय मार्केट में देखने को मिला है, लेकिन साल 2023 में पहली बार एप्पल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी ने पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा आईफोन यूनिट्स की बिक्री की है। यह जानकारी मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट में सामने आई है। अगर आप BPSC शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस साल यानी 2024 में बिहार में 2 और चरणों में शिक्षक बहाली का प्लान तैयार कर लिया गया है। इन परीक्षाओं के जरिए बिहार में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएंगी। सबसे पहले तीसरे चरण की परीक्षा और नियुक्ति होगी जो इसी साल मार्च में होनी है। इस चरण में परीक्षा पास करने वाले 70,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। भारत से राजनयिक तनाव के बीच मालदीव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच मौजूद सरकार ने भारत से कहा है कि उन्हें लिखित में बताया जाए कि आखिर भारतीय नौसैनिकों ने मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ में स्थानीय मछुआरों की नौकाओं की तलाशी ली। मौजूद सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने भारत सरकार से कहा है कि वह हमें लिखित में दे कि यह कैसे हुआ। हालांकि मालदीव सरकार ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह पता चला है कि इस मामले की जांच मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने की है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में विनिवेश करने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत सरकार को SBI और ONGC जैसी तमाम ब्लू चिप सरकारी कंपनियों में विनिवेश से दिक्कत नहीं है। सरकार का रुख पब्लिक सेक्टर की अहम कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर यानी 50% से कम बने रहने के खिलाफ भी नहीं है। दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर बना हुआ है। खास बात यह है कि अब इसमें UAE की एंट्री भी हो गई है। दूसरे पायदान पर चीन, तीसरे पर रूस और चौथे पर जर्मनी और वहीं पांचवें पर UK है। हर साल शक्तिशाली देशों की US पावर रैंकिंग जारी करता है। दुनिया भर में बढ़ते रुतबे और सैन्य शक्ति के कारण भारत को 12वें पायदान पर रखा गया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें जल निकायों को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया एक ऑटोमेटिक रोबोट दिखाया गया है।
अपने पोस्ट में महिंद्रा ने ऐसे तकनीकी नवाचारों के महत्व पर प्रकाश डाला और ऐसे किसी भी स्टार्टअप में निवेश करने में रुचि व्यक्त की जो ऐसे रोबोट बनाना चाहते हैं। पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ऑटोमेटिक रोबोट नदी से अपशिष्ट और कचरा एकत्र कर रहा है। आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा है कि नदियों की सफाई के लिए ऑटोमेटिक रोबोट ऐसा लगता है कि यह चीनी है। हमें इसे अभी यही बनाने की जरूरत है। अगर कोई स्टार्टअप ऐसा कर रहा है तो मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ। भारत के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह देश के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, अनेक लोगों का भी देश के लिए योगदान है। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम नीतीश ने अपने पास कुल 5 मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को 9-9 विभाग दिया गया है। इस सीट बंटवारे में बीजेपी के पास 23 विभाग रहेगा, 19 विभाग जदयू के पास है, 2 विभाग हम के पास है और 1 विभाग निर्दलीय विधायक के पास रहेगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी है। वहीं अब सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सपा नेता ने ज्ञानवापी मामले में आई अदालत के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि अदालतें कई मौकों पर सही फैसला नहीं सुनाती है। इस फैसले पर जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों का हमेशा विरोध होता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रामधार यादव, नौसाद रजा, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में एनडीए की सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।